बच्चों, हम लोग आए हैं सुशांत यूनिवर्सिटी आप लोग के सीयूईटी के फेस वन के लास्ट एग्जाम का रिव्यू लेने के लिए इन दिस सुशांत यूनिवर्सिटी। और बच्चों देखते हैं कि आखिरकार आज के पेपर का रिव्यू कैसा रहा और पेपर का लेवल कैसा रहा और पूरी तरीके से होलिस्टिकली देखते हैं कि आखिरकार बच्चों का पेपर कैसा गया और अगस्त वाले बच्चों के लिए बहुत ही बड़ी हेल्प। अदिति, आपके कौन कौन से सब्जेक्ट का एग्जाम था? अकाउंट, बिजनेस, हिंदी और जनरल टेस्ट। पेपर अच्छा गया, मुश्किल था या मॉडरेट? रिव्यू देखे जा सकते? मीडियम ही था। मीडियम था। कौन से पेपर सब्जेक्ट का पेपर मुश्किल लगा आपको? अकाउंट। अकाउंट का पेपर मुश्किल रहा। और जनरल टेस्ट और इंग्लिश? इंग्लिश नहीं था, जनरल टेस्ट। तो खुश हो या फिर थोड़ा सा परेशान हो पेपर देखे? खुश भी और परेशान भी हूँ। कोई नहीं, आपका सब अच्छा रिजल्ट आएगा, दैट वी आर सेइंग ऑल द बेस्ट। थैंक यू। हाय, व्हाट्स योर नेम? दीक्षा। आपके कौन कौन से सब्जेक्ट का एग्जाम था? आज मेरे जनरल टेस्ट, इंग्लिश, अकाउंट्स एंड बिजनेस स्टडीज। कौन सा पेपर इजी रहा, कौन सा मुश्किल? इंग्लिश इज इजी, मैथ्स अकाउंट्स मुश्किल था, बाकी इजी। सभी बच्चे बोल रहे हैं अकाउंट्स का पेपर मुश्किल आया, तो मतलब मॉक टेस्ट से इजी पेपर रहा अकाउंट्स का या मुश्किल रहा? आई थिंक ज़्यादा मुश्किल भी था, अकाउंट्स तो ऑफकोर्स मुश्किल होती है। तो अभी आपका कोई और एग्ज़ाम बच रहा है? सो आज रात आपकी पार्टी है? पार्टी अभी बोर्ड का रिजल्ट नहीं आया, उसकी टेंशन। रिजल्ट के बाद पार्टी? हाँ जी, रिजल्ट के बाद पार्टी। ओके, ऑल द बेस्ट। सो हाय, व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज हर्षवर्धन जैन, कृतिक। कौन कौन से सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम था? इंग्लिश, जनरल स्टडीज, अकाउंटेंसी एंड बीएसटी। सेम। कौन सा मुश्किल था, कौन सा? Accountancy was tough and business studies was as expected, it was far more easy than it. Same, like accountancy was lengthy also, business studies in general was lengthy. Har bachcha bol raha hai accountancy mushkil aaya, to mock test se easy tha ya mushkil? Mock test se thoda sa difficult tha. Difficult tha. Aur general test mein time ka issue raha? Not at all, it was quick. Okay, so aapka koi aur exam bach raha hai CUET ke liye? Na, done. To aapko lag raha hai DU mein seat pakki hai? Ho jaye to bahut badhiya aapke liye. Bilkul bilkul hogi, bilkul hogi. All the best, all the best. आपका नाम क्या बेटा? अनुराग गोस्वामी। अच्छा अनुराग, आज किस किस चीज़ का पेपर था? आज यू हैव मतलब आपके पास चॉइस होती है। अच्छा ठीक है, यू कैन चूज, आप चूज कर सकते हैं अपना सब्जेक्ट। अच्छा तो आप कौन कौन सा पेपर देके आए हो अभी? अकाउंट्स, बिजनेस, इंग्लिश और जनरल एप्टीट्यूड का। अच्छा आप ये बताओ कि जनरल एप्टीट्यूड कैसा गया, जनरल टेस्ट कैसा गया आपका? जनरल टेस्ट में आपको थोड़ा सा पढ़ के आना होता है, अगर आपने पहले पढ़ रखा है तो यू कैन, आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। अच्छा, मतलब आसान टाइप के सवाल थे इसमें? आसान। अच्छा सवाल थे, हाँ। अच्छा अकाउंट्स का पेपर कैसा गया? अकाउंट्स का पेपर भी आसान था और लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन में मेरे को पर्सनली डिफिकल्टी आई। अच्छा मतलब जैसे अगर अपन पेपर की बात करें तो वो पेपर लेंथी टाइप का था या इजी टू मॉडरेट लेवल का अपन कह सकते हैं? अकाउंट्स लेंथी था और जनरल एप्टीट्यूड भी मेरे को लगा कि थोड़ा सा लेंदी है। अच्छा मतलब, और बिजनेस स्टडीज भी था आपका? बिजनेस स्टडीज था, हाँ। अच्छा कैसा गया उसका? वो आसान था। अच्छा, बहुत आसान था। तो बिजनेस स्टडी आसान था। थैंक यू। तो बेटा आपका नाम क्या है? मेरा नाम भारती राघव है। अच्छा तो भारती, आपका आज किस किस चीज़ का पेपर था बेटा? मेरा अकाउंट का, बिजनेस स्टडी और जनरल टेस्ट और इंग्लिश लैंग्वेज। तो अकाउंट का पेपर मतलब कैसा था, लेंथी था या मतलब इजी टू मॉडरेट या अपन कर सकते थे? लेंथी नहीं था, जो टाइम पीरियड था उसमें हो गया था, बस जैसे जो न्यूमेरिकल वगैरह थे ना उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी। अच्छा मतलब न्यूमेरिकल वगैरह थोड़े से उसमें सॉल्व करने में थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी, बाकी। अच्छा जनरल टेस्ट कैसा गया? जनरल टेस्ट सही गया, ना ज़्यादा अच्छा गया ना ज़्यादा वैसा गया, सही थे, मतलब आए हुए थे, मैंने क्यूट के अड्डे पे ही मैंने स्टडी करी थी तो उसमें से बेस आए हुए थे। अच्छा और बिजनेस स्टडीज कैसा गया बेटा? स्टडी थोड़ा सा वैसा गया, खराब, क्योंकि उसमें ना वो आए थे न्यूमेरिक क्वेश्चन तो वो हो नहीं पाए थे थोड़े। अच्छा, बहुत तो मतलब ओवरऑल पेपर ओवरऑल ठीक, हाँ इजी था, लेवल अपन कर सकते हैं ना। हाँ नहीं, डिफिकल्ट नहीं था, नॉर्मल था। विश यू ऑल द बेस्ट। ओके सो हाय, व्हाट्स योर नेम? हाय, माय नेम इज संगिनी श्रीवास्तव। व्हिच व्हिच सब्जेक्ट्स एग्जाम वाज देयर टुडे? आई हैड बिजनेस स्टडीज, जनरल टेस्ट, अकाउंटेंसी एंड इंग्लिश। व्हाट इज द डिफिकल्टी लेवल फॉर बिजनेस स्टडीज एंड अकाउंटेंसी? I would say business studies were quite trickier because we had this quite tricky chapter, financial management, so we had quite a lot of questions contributing from that chapter, so that's why I would say it was harder. Okay, and general test? General test was good, like we had mostly common sense analytical questions, so they were really nice. So you are happy after giving your exam?
मॉडरेट, नॉट वेरी हैप्पी, नॉट वेरी सैड. ओके, सो यू विल पार्टी और नॉट? पिज्जा पार्टी होगी. अच्छा, हमको वो ट्राई. सो गुड लक. हंसिका, आज बेटा आपका किस किस चीज का पेपर था? बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी, जनरल टेस्ट एंड इंग्लिश. अच्छा, और जनरल टेस्ट कैसा गया? जनरल टेस्ट वॉज क्वाइट ईजी, बट इफ यू टॉक अबाउट जीके, इट वॉज स्लाइटली डिफिकल्ट बिकॉज वी आर नॉट सो मच अवेयर ऑफ करंट अफेयर्स. एंड एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग कैसा था? इट वॉज ईजी. और अकाउंटेंसी की अगर बात करें तो बेटा, अकाउंटेंसी का लेवल कैसा था? मतलब ज्यादा? इट वॉज नॉट सो ईजी, नॉट सो टिपिकल, बट इट वॉज मॉडरेट. देयर वॉज मोर ऑफ थ्योरी, लेस ऑफ प्रैक्टिकल. द पार्ट विच वॉज प्रैक्टिकल वॉज जेन्युइन. तो अपन मतलब ऐसा कह सकते हैं कि टाइम के अंदर करने लायक था पेपर, या मतलब टाइम कम पड़ गया? नहीं, टाइम के अंदर करने लायक था. मेरे सारे क्वेश्चंस हो गए थे टाइम में. और बिजनेस स्टडीज कैसा गया? बिजनेस स्टडीज इज टोटली बेस्ड ऑन एनसीईआरटी. टोटली, या यू रीड एनसीईआरटी विल बी एबल टू डू बिजनेस स्टडीज. और क्या कहते अकाउंट्स? अकाउंट्स भी एनसीईआरटी से? अकाउंट्स, यस, इट वाज बेस्ड ऑन एनसीईआरटी, बट जो क्वेश्चंस थे वो बहुत ही बेसिक लेवल के थे. कि आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको बेसिक अकाउंट्स आते तो आप पेपर कर लो. उनको ऐसा करना चाहिए कि ठीक है, मारते रहो, मेरी सीट पक्की हो जानी चाहिए. विश यू ऑल द बेस्ट. ओके, सो हाय, व्हाट्स योर नेम? हाय, आई एम रिया. हाउ वाज योर एग्जाम? इट वेंट वेल, कंसीडरिंग आई डिडंट स्टडी एट ऑल. कौन कौन से सब्जेक्ट्स का एग्जाम था? आई गिव जनरल टेस्ट, अकाउंट्स, मैथ्स एंड इंग्लिश. सबसे अच्छा कौन सा गया, सबसे खराब कौन सा गया? इंग्लिश वेंट द बेस्ट एंड मैथ्स वर्स्ट. या अकाउंट्स एंड बिजनेस? अकाउंट्स एंड वो सही था. इट वाज. व्हिच कॉलेज आर यू टारगेटिंग, मिरांडा और हिंदू? एक्चुअली आई एम गोइंग इनटू फैशन डिजाइनिंग, दिस वाज जस्ट अ बैकअप. ओके ओके ओके, चलो, ऑल द बेस्ट फॉर योर स्कूल. थैंक यू. बेटा आपका नाम क्या है? मेरा नाम शबाना है. आपका नाम क्या है? लक्ष्मी. शबाना, आज का पेपर कैसा रहा आपका? आज का कौन कौन सा पेपर था आपका? आज मेरा इंग्लिश था, लैंग्वेज और अकाउंटेंसी और जनरल. आपका क्या क्या था? इंग्लिश, अकाउंटेंसी, बिजनेस. अच्छा, सेम यही था. तो बेटा अकाउंट्स का पेपर कैसा गया, मतलब जैसे आसान था या टफ था, कैसा था? नहीं, इजी नहीं था, मतलब उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछे थे. मतलब थोड़ा जैसे 5 मार्क्स के, जैसे हम नॉर्मली करते प्रैक्टिकल, पूरा लेंथी 1 मिनट में कितने क्वेश्चन कर लेंगे. फिर मतलब टाइम इतना नहीं था और लेंथ ही ज़्यादा था उसमें, और जो थ्योरी आ रखी थी वो ठीक थे. मतलब एनसीईआरटी से नहीं थे? एनसीईआरटी से थे लेकिन डीपली थे जो बच्चे. अच्छा. बहुत ही इतना टाइम नहीं था पढ़ने का. अच्छा अच्छा. और बेटा बिजनेस स्टडीज का पेपर कैसे गया? हाँ, नॉर्मल था, मतलब थ्योरी क्वेश्चंस बहुत अच्छे थे सारे. मतलब बस थ्योरेटिकल पेपर था, आसान पेपर था. तो मतलब आप लोग अगस्त वाले बच्चों के लिए क्या कहना चाहते हो, जिनका आगे पेपर है उनके लिए शिक्षा दे दो अब आप लोग? वो लोग बहुत लकी है कि उनके पास इतना सारा टाइम है. हाँ. करने के लिए और अच्छे से पढ़े डीपली. और इस जनरल टेस्ट बहुत अच्छा रखा था. अच्छा, जनरल टेस्ट. हाँ, और जनरल टेस्ट 7-8 मिनट पहले हो गया और बहुत अच्छा अच्छा हो गया. अच्छा, और इंग्लिश कैसा था? इंग्लिश भी अच्छा. इंग्लिश भी इजी था. तो अगस्त वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा ज्ञान दे दो, अच्छे से पढ़े अगस्त वालों के लिए. हां, ज्यादा मतलब अकाउंटेंसी और बिजनेस में ज्यादा, दो मेन सब्जेक्ट पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए ना. ओके बेटा, विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो मच.